तो आप उनसे कहें कि बीवी के लिए कमा के लाना खान सामापन है, तो बीवी पर लाजिम है कि शौहर की घर में खिदमत करे, वो शौहर पर लाजिम है कि बाहर के काम करे, वो भी तो खिदमत ही है ना एक तरह की, तो बीवी पर लाजिम है घर के काम करे। नाफरमान बीवियां, ये बयान लाजमी सुन लें कि मुफ्ती तारिक मसूद साहब नाफरमान बीवियों के बारे में क्या कहते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों के साथ शेयर कर दें। चलिए बयान की तरफ चलते हैं। मेरी बीवी शादी के 10 दिन बाद अपने घर जाकर बैठ गई थी। वो कहती है कि अपना खाना वगैरह खुद बनाओ, और कहती है कि हमारा ऐसा हमारा दीन कहता है। वो और उसका बाप कहते हैं कि शौहर के लिए खाना और चाय वगैरह बनाना गुलामी है। बराए मेहरबानी दीनी लिहाज से बताएं कि क्या ये बात दुरुस्त है। तो आप उनसे कहें कि बीवी के लिए कमा के लाना खान सामापन है, तो बीवी पर लाजिम है कि शौहर की घर में खिदमत करे, वो शौहर पर लाजिम है कि बाहर के काम करे, वो भी तो खिदमत ही है ना एक तरह की, तो बीवी पर लाजिम है घर के काम करे। तो आप भी तो बाहर के काम करते होंगे। अलबत्ता अगर आपकी बीवी ऐसे ख़ानदान से है कि उनके घर में औरतें कुछ करती नहीं है, सारे काम नौकर चाकर करते हैं, तो फिर तो बीवी का मुतालबा ठीक है। वो कह कि मैं बड़े लैंडलॉर्ड घराने से आई हूँ, रॉयल फैमिली से मेरा ताल्लुक है, हम लोगों ने कभी अपने घर में चाय बनाई नहीं, हमारे सारे काम नौकर चाकर करते हैं, तो मैं ये काम नहीं करूँगी, आप नौकर रखें, फिर उसका मुतालबा ठीक है। लेकिन अगर नॉर्मल ख़ानदान से है कि जहाँ घरों में चाय ख़वातीन खुद बना लेती हैं, तो फिर वो आपके घर में भी उसको चाय बनानी पड़ेगी, क्योंकि कुरान का हुक्म है आशिरूहुन्न बिलमारूफ, उर्फ के मुताबिक जो मारूफ तरीका है उसी तरीके से चलो इनके साथ। तो इसलिए फिर ये मुतालबा कि मैं गुलाम हूँ, हम कोई गुलाम हैं, तो ये बात ठीक नहीं है। तो आप बोलो कि हम कोई खानसामा हैं, जो हम बाहर से अंडे लेकर आते हैं, दही लेकर आते हैं, बाहर के काम आदमी करता है, घर के काम औरत करती है, तो तमीज़ के ख़ानदानों में यही होता है। तो ये लाजिम है औरत के ऊपर वो घर के काम करे, और आप पर लाजिम है कि आप बाहर के काम करें। अच्छा भाई, और 10 वो जो घर जाके बैठ गई है तो हराम में नाजायज़ है, उसको चाहिए कि वापस आए। वो देख ले मेरे भाइयों, नाफरमान बीवियां अगर तो वो किसी अच्छे घराने से हैं, तो फिर जो उसके मुतालबात हैं वो आपको पूरे करने चाहिए। अगर वो नॉर्मल घराने से है, तो फिर उसको आप कहें कि मैं कौन सा खान सामा हूँ जो आपको बाहर से ये चीज़ें ला कर दो। तो इन चीज़ों से हमें प्रेस करना चाहिए, और नाफरमान बीवियों को भी एहतियात करनी चाहिए, क्योंकि बीवियों पर शोहर की इताअत लाजिम है। ठीक है मेरे भाइयों, अगर बयान पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी और नए बयान के साथ। मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।